हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेसन में हम एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स लास्ट वन ईयर के पूरे कंप्लीट करेंगे। ये एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट टू है। मेरा नाम भूमिका सैनी है, मैंने इंजीनियरिंग एनआईटी जयपुर से करी है एंड मैंने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पोल्यूशन और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स सेक्शन डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम स्पीशीज़ जो भी पिछले एक साल में न्यूज़ में रही हैं और उससे रिलेटेड जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट डेज और रिपोर्ट्स और कुछ और चीज़ जो कि हम सेपरेटली मिसलेनियस सेक्शंस में कवर करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेटन्ड स्पीशीज़ एंड देयर कंजर्वेशंस को अपन डिस्कस करते हैं। तो इसको करने से पहले एक बार ये जानते हैं कि IUCN करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है, जैसे कि एक कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, इस कैटेगरी को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टोटली एक्सटिंक्ट या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक कैटेगरी है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जिसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या वल्नरेबल स्पीशीज़। फिर कुछ स्पीशीज़ को नॉन थ्रेटन्ड कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि कंजर्वेशन डिपेंडेंट स्पीशीज़ होती हैं, कुछ लो रिस्क स्पीशीज़ होती है जिनको कि फर्दर क्लासिफाई किया जाता है नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ ऑफ लेस कंसर्न जिनके लिए इतना कंसर्न नहीं है अभी, एंड अबंडेंट स्पीशीज़ जो कि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में नंबर के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ स्पीशीज़ जिनसे रिलेटेड डेटा डेफिशिएंसी होती है, इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, प्लस कुछ स्पीशीज़ जिनको इवेलुएट ही नहीं किया गया है। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं जो कि IUCN ने कैटेगराइज किया है। इसके अलावा ये स्पीशीज़ हैं जो अपने लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं या फिर जो थ्रेटन्ड है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जिसमें कि रीजनेबल कोई भी डाउट नहीं है कि लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। तो अपने को पूरी तरह से ये पता है कि लास्ट इंडिविजुअल भी मर चुका है और वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिनके लिए जो बहुत ही हाई रिस्क फेस कर रही हैं, जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर, दैट इज़ आप अगर अपन देखें कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में हो सकता है अगर उस स्पीशी के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं लिए तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। नेक्स्ट आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ जिनको कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं डाल सकते बट स्टिल वो बहुत ही हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही होती है इन वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। तो हो सकता है इन स्पीशीज़ का अगर कंजर्वेशन नहीं किया तो ग्रेजुअली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में आ जाए, फिर वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। इसके बाद आता है वल्नरेबल स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ जो कि ना तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना ही एंडेंजर्ड है बट स्टिल बहुत ही हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन स्पीशीज़ के लिए है इन द मीडियम टर्म फ्यूचर। इसके बाद लो रिस्क स्पीशीज़, ये वो कैटेगरी है जिसमें वो स्पीशीज़ आती है जिनका इवैल्यूएशन नहीं किया या फिर वो ऊपर की तीन कैटेगरीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीशीज़ में उन स्पीशीज़ को नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा दो टर्म्स और हैं स्पीशीज़ से रिलेटेड, एक है एंडेमिक स्पीशी, एक है रेयर स्पीशी। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर रीजन या इकोसिस्टम में ही पाई जाती है, जैसे कि लायन टेल्ड मैकॉक, ये साउथ इंडिया में नीलगिरीज वेस्टर्न घाट रीजन में ही मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलता। तो ये है एंडेमिक स्पीशीज़। अब इन्हीं पर्टिकुलर रीजन में मिलने का कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं सिर्फ वही उनको सूट करती है तो वो उसी जगह मिलेंगे, या फिर उनके डिस्पर्जल के लिए कुछ बैरियर्स हों। तो इस तरह से वो जो स्पीशीज़ एक ही जगह लिमिटेड रहती है या एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहती है उनको एंडेमिक स्पीशीज़ कहा जाता है। रेयर स्पीशीज़ वो होती है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर्स, मतलब उनका नंबर काफ़ी कम है, उन स्पीशीज़ को अपन रेयर स्पीशीज़ कहते हैं। तो इसके बाद अपन करंट अफेयर्स देखते हैं। जो भी स्पीशीज़ न्यूज़ में रही है या फिर थ्रेटन्ड स्पीशीज़ से रिलेटेड जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको अपन देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड ऑपरेशन सेव कर्मा। तो एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर बनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन थंडरबर्ड लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन थंडरबर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव था पोचिंग को ख़त्म करना, जो वाइल्ड एनिमल्स की पोचिंग होती है उसको ख़त्म करना था। आप ये देख सकते हैं ये ऑपरेशन थंडरबर्ड है, इसमें 71 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 19.2 केजी ऑफ एलिफेंट आइवरी को सीज़ किया गया था, इतने 9 कैरकस वाइल्ड एनिमल्स को सीज़ किया गया था, 8 लेपर्ड स्किन्स और रफली अराउंड 2500 लाइव स्पीशीज़ ऑफ शेड्यूल्ड एनिमल्स। शेड्यूल्ड एनिमल मतलब
एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इंडिया का, जिसके अंदर काफ़ी सारे शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो उसमें जैसे शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, तो इस तरह के शेड्यूल्ड एनिमल्स को सीज किया गया था। तो ये था ऑपरेशन थंडरबर्ड। इसके बाद अपन देखते हैं एक है ऑपरेशन सेव कर्मा, ये भी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है उसी ने ही लॉन्च किया है। बट ये ध्यान रखिएगा ये स्पीशी स्पेसिफिक ऑपरेशन था, इसका मतलब कि ये सिर्फ टर्टल्स के लिए था। तो इसमें टोटल रफली अराउंड 15,000 लाइव टर्टल्स को रिकवर किया गया था। और इसके अलावा इस ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि अवेयरनेस जनरेट करे एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर, ताकि जो भी ट्रेड रूट्स हैं, मेजर ट्रेड रूट्स या ट्रेड हब्स जिनके थ्रू ये इलीगल पोचिंग और इलीगल ट्रेड होता है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये ऑपरेशन सेव कर्मा था, ये मेनली टर्टल्स के लिए था। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो एक बार आइए इसको देख लेते हैं। WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा ये एक एक्ट के अंदर बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इस ये कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये बनी है, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक मेन एक्ट है इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर काम करती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करना। तो जो भी वाइल्ड लाइफ या उनके स्किन या उनके पार्ट्स रिलेटेड जो भी इलीगल ट्रेड होता है उसको ये प्रॉपरली देखती है, उस क्राइम को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। डॉल्फिन से रिलेटेड दो न्यूज़ थी, एक थी गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, दूसरा था इरावडी डॉल्फिन। तो पहले अपन गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन देख लेते हैं। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि गुवाहाटी जो कि आसाम में है ये फर्स्ट सिटी बनी है जिसने कि गैंजेटिक डॉल्फिन को सिटी एनिमल डिक्लेयर किया है। तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, इसको गुवाहाटी में सीहू भी कहा जाता है और ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। इसके अलावा गैंजेटिक डॉल्फिन को इंडिया ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया था। इस डॉल्फिन को टाइगर्स ऑफ गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जैसा टाइगर एक फॉरेस्ट में रोल प्ले करता है इसी तरह डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रोल प्ले करती है। अब इसका जो हैबिटेट है, जैसे मैंने कहा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मतलब कि जनरली जो सलाइन नहीं होता, जैसे कि रिवर वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, तो ये है उसका हैबिटेट। और ये जनरली डीप वाटर्स प्रेफर करती है, उन जगह में जहाँ दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है या दो रिवर्स जहाँ मीट करती है। इसके अलावा इस फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर टर्टल्स भी होते हैं, क्रोकोडाइल्स भी होती हैं, वेटलैंड बर्ड्स भी होती है। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलती, ये और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में मिलती है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो ये मेनली इसका हैबिटेट है और ये सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन मिलती है। ये इस तरह की होती है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा ये ब्लाइंड होती है और ये अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ये अपने प्रे को कैच करती है। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक आपने देखा कि इंडिया ने उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद IUCN में अगर देखें तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट में है। और जैसा मैंने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काफ़ी सारे शेड्यूल हैं, उसमें से जो शेड्यूल 1 है उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब इससे रिलेटेड थ्रेट्स क्या हैं, एक तो ये जो फिशिंग नेट्स हैं उसमें ये एंटेंगल हो जाती है, फंस जाती हैं। इसके अलावा इनकी हंटिंग होती है उनके ऑयल के लिए, मीट के लिए। फिर जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहती है, तो अब अगर वो फ्रेश वाटर पोल्यूट हो जाए, पोल्यूट वो काफ़ी तरह से हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के थ्रू हो सकता है, एग्रीकल्चर केमिकल्स और इन एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू हो सकता है। तो उससे अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पोल्यूट हो जाएगा तो डायरेक्टली गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन पे इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर डैम्स आप बिल्ड कर दें अपर कोर्स ऑफ रिवर में अगर डैम्स बिल्ड कर दें तो जो उसका इकोलॉजिकल फ्लो होता है वो इफेक्ट हो जाता है। तो अगर रिवर्स का फ्लो ही इफेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली डॉल्फिन पे इफेक्ट होगा। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं जिसके अंडर भी डॉल्फिन को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब ये जो साइट्स कन्वेंशन है, पहली बात तो इंडिया इसका मेंबर है, दूसरा जो है इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को प्रोहिबिट किया गया है। इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को रखा गया है।
उसके बाद एक और एक कन्वेंशन है जो कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, इसके अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू दोनों में गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को रखा गया है। तो इसके इन कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन प्लस इंडिया का जो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि दो न्यूज़ थी डॉल्फिन से रिलेटेड, एक थी इरावडी डॉल्फिन और एक गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का आपने देख लिया, अब इरावडी रिवर डॉल्फिन का देख लेते हैं। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इरावडी डॉल्फिन्स इंडिया में मिलती है। कईयों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि म्यांमार में एक रिवर है इरावडी, तो जनरली म्यांमार या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही ये वाली डॉल्फिन मिलती होगी, बट ये इंडिया में भी मिलती है और ये ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और गहीरमत्ता मरीन सेंचुरी इनमें जो वाटर बॉडीज़ है इनमें इरावडी डॉल्फिन मिलती है। रिसेंटली देखा गया है कि चिलिका लेक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लगून है उसमें भी इरावडी डॉल्फिन्स मिलती हैं। इसके अलावा इरावडी डॉल्फिन के अलावा और भी डॉल्फिन स्पीशीज़ हैं जैसे कि हमबैक डॉल्फिन, बॉटल नोज, पेंट्रॉपिकल स्पॉटेड डॉल्फिन स्पीशीज़। अब कुछ देख लेते हैं इरावडी डॉल्फिन के बारे में। ये जनरली इंडिया में बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में मिलती है और ये बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ ऑफ इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया, म्यांमार, इन कंट्रीज़ में भी मिलती है। अब इनके थ्रेट्स क्या हैं? कुछ थ्रेट्स तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जैसे ही थ्रेट्स हैं, जैसे कि ये एक्सीडेंटली ये फिशिंग गियर्स या फिश नेट्स में ये फंस जाती हैं। इसके अलावा अगर माइनिंग होती है, एलुवियल माइनिंग जैसे कि सैंड माइनिंग हो रही है, ग्रेवल माइनिंग हो रही है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के पास में से, तो वो माइनिंग से भी इफेक्ट होती है। या फिर इनका लाइव कैप्चर भी करते हैं फॉर डिस्प्ले पर्पस टू बूस्ट टूरिज्म, तो इस रिस्पेक्ट में भी इरावडी डॉल्फिन जो है उनको थ्रेट है। IUCN में ये वल्नरेबल है। ध्यान रखिएगा, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन एंडेंजर्ड थी, इरावडी डॉल्फिन वल्नरेबल स्पीशी है। तो ये इरावडी डॉल्फिन है और ये गैंजेटिक डॉल्फिन है, दोनों में कैरेक्टरिस्टिकली देखें तो थोड़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू थ्रेटन स्पीशीज़। एक है केंद्र परा शीप, इसको लोकली कूजी मेंढा भी बोला जाता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसने कूजी मेंढा या फिर इस शीप को रेयर और सिंगुलर स्पीशीज़ जेनेटिक रिकॉग्निशन का टैग दिया। इसका मतलब ये है कि ये जेनेटिकली रेयर स्टेटस का टैग दिया गया है इसको, और इससे क्या होगा, जब इसको ये टैग दे दिया गया है तो इससे इसका कंजर्वेशन एफर्ट्स में काफ़ी हद तक बूस्ट होगा, जिससे कि इस थ्रेटन्ड स्पीशी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो केंद्रपरा शीप ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ओडिशा में मिलती है और उसमें भी ये कोस्टल जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। इस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही इस शीप का नाम रखा गया है। अब इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि ये फास्ट ब्रीडर्स हैं। फास्ट ब्रीडर मतलब बहुत जल्दी ब्रीड करती हैं और मल्टीपल बर्थ्स देती हैं। अगर अपन देखें तो अदर पार्ट्स ऑफ ओडिशा में ऐसी शीप्स नहीं हैं जो मल्टीपल बर्थ्स दें, तो इस रिस्पेक्ट में ये काफ़ी यूनिक है। इसीलिए इनका ये जो रेयर जेनेटिक ट्रेट है, इसी जेनेटिक ट्रेट के कारण इसमें मल्टीपल बर्थ होते हैं और इसीलिए इसको जेनेटिकली रेयर स्टेटस का स्टेटस कन्फर किया गया है। उसके बाद इन शीप्स को मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है? मटन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा ये शीप्स जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और हैवी रेन्स के क्लाइमेट में अडेप्ट हो सकती हैं। जैसा कि अपन देखते हैं कि ओडिशा में ही मिलती है, अब ओडिशा कोस्टल एरिया है तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो उस रिस्पेक्ट में ये क्लाइमेटिक कंडीशन से काफ़ी अच्छी तरह से अडेप्ट करती है। ये इस तरह की कूजी मेंढा शीप है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बॉर्नियन ओरैंगुटन। ये स्पीशी ध्यान रखिएगा ये इंडिया में नहीं मिलती है। ये न्यूज़ में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इसको रिसेंटली क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दे दिया गया है IUCN के अंदर। अब इसमें IUCN ने देखा है कि रिसेंटली बॉर्नियन ओरैंगुटन्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। तो ये स्पीशी जो है ये नेटिव टू आइलैंड ऑफ बॉर्नियो, एक बॉर्नियो करके आइलैंड है जहाँ ये स्पीशीज़ मेनली मिलती है। इन स्पीशीज़ की यूनिक बात ये है कि ये 97% ऑफ इनका DNA जो होता है वो ह्यूमन से मैच करता है और ये हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। इनमें एडवांस्ड टूल यूज़ और डिस्टिंक्ट कल्चरल पैटर्न्स के इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अब इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें थ्रेट मेनली इनको ये है कि ये डिफॉरेस्टेशन इनका एक थ्रेट है, हंटिंग और स्लो ब्रीडिंग, ये बहुत ही स्लोली ब्रीड करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में भी इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो ये है बॉर्नियन ओरैंगुटन्स, ध्यान रखिएगा क्रिटिकली एंडेंजर स्टेटस दिया गया है और ये इंडिया में नहीं मिलते हैं। अब अपन कुछ न्यूज़ टाइगर से रिलेटेड देख लेते हैं। टाइगर से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ थी तो एक साथ ही आप उनको देख लेते हैं। एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि इंडिया की फर्स्ट रिपोजिटरी बनाएगा टाइगर्स पे,
उसने एक टाइगर सेल बनाया है। अब इस रिपोजिटरी में होगा क्या, इसमें मेनली एक डेटाबेस बनाया जाएगा टाइगर्स पर, जो कि हेल्प करेगा टाइगर कंजर्वेशन में, टाइगर की पॉपुलेशन एस्टिमेशन में। तो इन सब चीज़ों में टाइगर मेनली ये टाइगर कंजर्वेशन और पॉपुलेशन एस्टिमेशन में हेल्प करेगा। ये NTCA जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर बनी है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी हेल्प से ये डेटाबेस प्रिपेयर किया गया है। अब इस टाइगर सेल, जो एक डेडिकेटेड टाइगर सेल बनाई है, इसमें प्रॉपर असेसमेंट होगा टाइगर्स का, लॉ एनफोर्समेंट, जो भी लॉज हैं टाइगर से रिलेटेड उनको प्रॉपरली एनफोर्स किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पेट्रोलिंग होगी, और कोई भी एडवाइजरी रोल जो कि टाइगर से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्म करने में हेल्पफुल हो। तो ये जो टाइगर सेल बना है, ये बना है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस, जो कि है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सेविंग द टाइगर। अब ये भी न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और एक ग्लोबल टाइगर फोरम है जिसने कि एक इनिशिएटिव लिया है कि हमें टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल डबल करनी है। जैसा कि इसमें देखा गया है कि अपन ने एक टारगेट बनाया कि बाय 2022 हमें टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल डबल करनी है, इसलिए इसका नाम है T x 2, दैट इज़ टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल डबल करनी है बाय 2022। तो अगर अपन देखें ऑफिशियल काउंट देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो इंडिया में है, वो है रफली 2226। तो 70% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन टाइगर्स की वो है इंडिया में। तो अगर अपन देखें टाइगर्स की 70% पॉपुलेशन इंडिया में है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 70% पॉपुलेशन है, और उसमें भी कहाँ कहाँ टाइगर्स मिलते हैं वो भी अभी अपन देखेंगे। जो अभी आपन ने देखा कि ग्लोबल टाइगर फोरम है, ग्लोबल टाइगर फोरम में टाइगर रेंज कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है। टाइगर रेंज कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ टाइगर्स मिलते हैं, उन कंट्रीज़ में से ओवरऑल 70% जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, और इंडिया भी इस ग्लोबल टाइगर फोरम का मेंबर है क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम टाइगर्स मिलते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट टाइगर था जो इंडिया ने लॉन्च किया था 1973 में, उस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर काफ़ी सारे रिजर्व्स, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जहाँ भी टाइगर मिलते हैं तो उनको अपन ने टाइगर रिजर्व्स का स्टेटस दिया है। अब इंडिया में काफ़ी सारे टाइगर्स हैं, मोर देन 40 टाइगर रिजर्व्स हैं, और जैसे इसमें आता है सरिस्का राजस्थान में, पन्ना टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, दुधवा, वाल्मीकि यूपी में है ये, फिर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे हैं, नमेरी नेशनल पार्क, मानस बुक्सा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व हैं, और मैक्सिमम टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कर्नाटका में है। ओवरऑल पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है। उसके बाद अपन देखते हैं एक और एक न्यूज़ थी, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया। इसमें मेन यही चीज़ बतानी थी मुझे कि एक ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया है, जो कि एक मानस रिवर है जो इंडिया में भी फ्लो करती है, वो भूटान में भी फ्लो करती है, और वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो ये मानस रिवर दोनों कंट्री में फ़्लो करती है, और इसके एडजेसेंट एक ये दो टाइगर रिजर्व्स हैं, एक भूटान में है और एक इंडिया में है। तो जो इंडिया में है उसका नाम है मानस नेशनल पार्क, वो आप जानते भी होंगे, वो आसाम में है, और जो भूटान में है वो है रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में। तो दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से टाइगर्स को कंजर्व किया जाता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस बाउंड्री। ट्रांस बाउंड्री मतलब एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में है ये, जैसे कि भूटान और इंडिया। मानस कंजर्वेशन एरिया, इसमें दो मानस नेशनल पार्क है, इंडिया वाला आसाम में है और रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में है। ये 2008 में एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया था, तो 2008 से ये प्रॉपरली ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया एक बहुत ही सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट है। नेक्स्ट आप हम देखते हैं टाइगर से रिलेटेड ही केन बेटवा लिंक, जो कि अभी न्यूज़ में था। ये फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट है। 30 प्रोजेक्ट प्रपोज किए गए थे, उसमें से फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट केन बेटवा लिंक है। अभी इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था, बट न्यूज़ में टाइगर से रिलेटेड इसलिए था क्योंकि अगर अपन केन बेटवा लिंक का प्रोजेक्ट देखें तो सरप्लस वाटर जो केन रिवर से बेटवा रिवर में डाइवर्ट किया जाएगा। अब केन रिवर के पास में पन्ना नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका कह रहे थे कि जब ये केन से बेटवा में एक्सेस वाटर जाएगा तो केन में काफ़ी सारे डैम्स बनाए जाएंगे। अब इन डैम्स से हो सकता है कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के कारण पन्ना नेशनल पार्क का सबमर्जेंस हो जाए, तो उससे टाइगर की पॉपुलेशन इफेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ न्यूज़ में थी। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। टाइगर्स जो हैं इंडिया में, पहले अगर अपन देखें तो इस रिज़र्व में टाइगर की पॉपुलेशन पहले कम हुई थी
225 इन 2006 से लेकर ज़ीरो हो गई थी 2009 में. फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन किया, ट्रांसलोकेशन मतलब दूसरी जगह से टाइगर्स को लाके पन्ना टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद अगर अपन देखें तो 18 पॉपुलेशन हो गई है अभी उसकी, और अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है. पन्ना टाइगर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसको कि 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था. नेक्स्ट अपन देखते हैं इंक्रीज़ इन टाइगर पॉपुलेशन. जैसा कि अभी आपने देखा कि एक तो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है T2, मतलब कि टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है बाय 2022. तो ध्यान रखिएगा ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये लॉन्च किया है. अगर अपन देखिए ये सारी है टाइगर रेंज कंट्रीज़, इंडिया रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, वियतनाम एंड लाओस. ये सारी टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबल टाइगर फोरम में पार्टिसिपेट करती हैं. और आप देख सकते हैं इंडिया में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कश्मीरी रेड स्टैग हंगुल. ये कश्मीर का स्टेट एनिमल है, इसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं. ये एक रेड डियर की स्पीशीज़ है, आप देख सकते हैं सब स्पीशी है. ये डियर है, डियर के हमेशा ध्यान रखिएगा ये एंटलर्स होते हैं. एंटलर्स मतलब इन ये हॉर्न नहीं होते, हॉर्न एंटीलोप के होते हैं. डियर के हमेशा एंटलर्स होते हैं जो कि वो ग्रेजुअली शेड करता रहता है, वो रेगुलरली इसको शेड करता है, फिर ये नए आ जाते हैं. तो अपन देख लेते हैं रेड स्टैग या फिर हंगुल के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. इनकी पॉपुलेशन पहले लगभग 3000 से 5000 के बीच में थी, बट ये पॉपुलेशन जो है अब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है और अब ये सिर्फ 150 ही रह गए हैं. तो ये बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, इसीलिए IUCN ये कह रहा है कि इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी का क्या स्टेटस दिया जाए. और इसको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है, क्योंकि प्लस जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में रखा गया है, क्योंकि ये हाईली एंडेंजर्ड स्पीशी है. प्लस इसको टॉप 15 स्पीशीज़ ऑफ हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी में भी रखा गया है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन हो रही है. अब अगर इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी का स्टेटस मिल जाता है तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी इसके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एफर्ट्स में. तो आप देख सकते हैं ये कश्मीरी स्टैग या हंगुल है. इसके लिए कश्मीर ने एक प्रोजेक्ट हंगुल लॉन्च किया था, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का. ये मेनली डचिंगम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, मेनली वहीं मिलता है. और ये प्रोजेक्ट हंगुल, उसके बाद से देखा गया है कि इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, बट इसकी पॉपुलेशन 5000 से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी, इसलिए कह रहे हैं कि इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी का स्टेटस देना चाहिए. नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑलिव रिडली सी टर्टल. ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है. ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सी टर्टल्स हैं. ये जनरली कहाँ मिलते हैं? पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में और इंडियन ओशन में. अब अपन देखते हैं इसको जो स्टेटस दिया गया है वो वल्नरेबल है. ध्यान रखिएगा ये एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इसको भी अपन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्ट किया गया है. ये कार्निवोरस हैं, क्योंकि ये जनरली जेली फिश, श्रिम्स, क्रैब्स, मोलस्क इन पर फीड करते हैं. ये इस तरह के होते हैं और ये इंडिया में ओडिशा में गहीरमत्ता या फिर ऋषिकुल्या बीच, ये सारे जो ओडिशा के कोस्टल एरिया है इन पर आके ये एनुअली एग्स डालते हैं और इनकी इस तरह से हैचिंग होती है. तो इन टर्टल्स का थ्रेट क्या है? थ्रेट मेनली ये है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि अनफ्रेंडली फिशिंग प्रैक्टिसेस, तो ये फ़िशिंग नेट्स में फंस जाते हैं. फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बीचेस फॉर पोर्ट्स, क्योंकि जिन बीच पर ये आते हैं और ये हैचिंग होती है इनकी, उन बीचेस पर टूरिज्म के कारण या फिर पोर्ट्स के डेवलपमेंट के कारण ये बीचेस ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो ये भी एक थ्रेट है. इसके अलावा मेजर डेस्टिनेशन जो मैंने आपको कहा ये है गहीरमत्था इन ओडिशा. अभी रिसेंटली देखा गया है कि एक होप आइलैंड है आंध्र प्रदेश में, एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से इनकी ब्रीडिंग हो रही है. इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है. मैंने अभी बताया साइट्स जो है इंडिया इसका मेंबर है. ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. तो एक तो इंटरनेशनली इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इंडिया में भी इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रखा गया है, और ये इन मेनली ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जनरली आते हैं और अपने एग्स ले करते हैं. उसके बाद एक न्यूज़ थी एलिफेंट सेंसस से रिलेटेड. अभी फर्स्ट टाइम ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड इन स्टेट्स में एक सिंक्रोनाइज एलिफेंट सेंसस हुआ है. इन स्टेट्स में आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन एलिफेंट
या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है, तो इसकी आपने प्रॉपरली आपने सेंसस वो करा है. सेंसस को करने के लिए डायरेक्ट मेथड भी यूज़ किया गया है. डायरेक्ट मेथड मतलब कि डायरेक्टली एलिफेंट्स को देखा गया है, उससे उनकी काउंटिंग हुई है, या फिर इनडायरेक्ट मेथड भी यूज़ किया गया है कि डंक डीके एक फॉर्मूला होता है जिससे कि इनडायरेक्टली भी देख सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ एलिफेंट्स उस जगह हैं. ठीक है, इसके बाद अपने को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया में एलिफेंट्स मिलते कहाँ कहाँ हैं. तो एक तो ये नॉर्थ उत्तराखंड यूपी वाले एरिया में मिलते हैं, एक ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एलिफेंट्स मिलते हैं, ओडिशा और ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफ़ी एलिफेंट्स मिलते हैं, और इसके अलावा जो साउथ इंडिया में. तो ये मेन फोर जगह हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन की वाइल्ड एनिमल्स की काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन मिलती है. फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस. ये 2016 में 50th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस हुआ था. ये जो है ये हुआ था मेनली केरला में, और ये फर्स्ट कंट्री वाइड सिटीजन साइंस एक्टिविटी थी ऑन नेचुरल हिस्ट्री. ये हर साल एवरी जनवरी में एशिया और ऑस्ट्रेलिया में होता है. इसके अलावा ये अफ्रीका में भी किया जाता है और यूरोप में भी किया जाता है. तो मेन जो इसमें देखना था, एक तो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल, इन दोनों ने इसको इंडिया में कोऑर्डिनेट किया था. ये 1987 से हर साल लगभग जनवरी में होता है. वाटर बर्ड्स क्या है, क्योंकि वाटर बर्ड सेंसस था, तो वाटर बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो जनरली वेटलैंड्स में रहती है, और अगर वाटर बर्ड्स की स्पीशीज़ वहाँ प्रेजेंट है अच्छी पॉपुलेशन में या अच्छे नंबर में, तो इसका मतलब है कि वेटलैंड की हेल्थ अच्छी है. तो इनको इंडिकेटर स्पीशी भी कहा जाता है. अगर पॉपुलेशन वाटर बर्ड की डिक्लाइन हो रही है तो इसका मतलब है कि वेटलैंड को खतरा है, या तो एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड हो रहा है, या फिर पोल्यूशन हो रहा है, या जिस भी तरह से वेटलैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. वेटलैंड इंटरनेशनल एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी के अंडर, एंड इसका हेडक्वार्टर्स है नीदरलैंड्स में. तो ये इस तरह से ये है वाटर बर्ड्स. ये हर साल जनवरी में होता है, एंड ऑब्जेक्टिव इसका मेन ये था कि इन वाटर बर्ड्स की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए, और इससे मॉनिटरिंग की जा सकती है कंडीशन और स्टेटस ऑफ वेटलैंड्स का. जैसा मैंने कहा कि इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं, तो उस तरह से वेटलैंड्स की कंडीशन या वेटलैंड्स की हेल्थ भी पता चल जाएगी. प्लस ऐसे सेंसस अगर हर साल होंगे तो इससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा वाटर बर्ड्स के लिए और वेटलैंड्स के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन के लिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट अपन देखते हैं संगाई ब्रो एंटलर डियर है. इस संगाई डियर, ये न्यूज़ में था तो एक बार संगाई डियर के बारे में कर लेते हैं. ध्यान रखिएगा ये एंडेमिक स्पीशी है. मैं आपको बता चुकी हूँ एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, और ये रेयर सब स्पीशी है ब्रो एंटलर डियर. तो ये ब्रो एंटलर डियर की एक सब स्पीशी है. ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का. ये मेनली लोकटक लेक में मिलता है. लोकटक लेक जो है वो एरिया केबुल लाम जो नेशनल पार्क के अंडर आता है, ये इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. तो उसका आंसर था केबुल लाम जो नेशनल पार्क. अब जो इसमें फ्लोटिंग जो बायोमास होता है उनको बोलते हैं फुमडीज. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है फुमडीज, ये फ्लोटिंग बायोमास है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर ये संगाई डियर रहता है. तो संगाई डियर ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का. ये आप देख सकते हैं लोकटक लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर में. इसमें इट इज़ फेमस फॉर फुमडीज, जो कि मैंने कहा कि ये फ्लोटिंग बायोमास है. अब इन फ्लोटिंग बायोमास पर ये जो डियर है ये चलता है, तो ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहा हो, क्योंकि ये फ्लोटिंग बायोमास है. इसलिए संगाई डियर को डांसिंग डियर भी बोलते हैं, इनको डांसिंग डियर भी बोलते हैं. वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब इस फ्लोटिंग बायोमास पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहे हैं. केबुल लाम जो इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मणिपुर में है. और ध्यान रखिएगा ये एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है. तो अब ये है संगाई डियर और ये है लोकटक लेक. और रिसेंटली MOEF दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक टीम बनाई थी फॉर कंजर्वेशन ऑफ लोकटक लेक. तो आपको लोकटक लेक पता होना चाहिए, संगाई डियर पता होना चाहिए, और जो फुमडीज़ है फ्लोटिंग फुमडीज़ के बारे में पता होना चाहिए. लोकटक संगाई डियर को क्यों डांसिंग डियर बोलते हैं, उनका क्या स्टेटस है IUCN के अंडर, ये चीज़ पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए. अब एक हिमालयन ब्राउन बियर था, ये काफ़ी टाइम बाद हिमालयन एरिया में स्पॉट किया गया है. तो इसको काफ़ी टाइम से हिमालयन बियर को स्पॉट नहीं किया गया था हिमालयन एरिया में, तो अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया है ये लद्दाख के द्रास वाले एरिया में. इसलिए एक बार हिमालयन बियर के बारे में पढ़ लेते हैं. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ध्यान रखिएगा यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
एनिमल्स आर अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस, तो उसमें से वो चार पांच ऑप्शन देगा और पूछेगा कि कौन कौन से एनिमल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से एनिमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से वल्नरेबल है. उसके बाद जो लद्दाख रीजन में वाइल्ड लाइफ मिलती है वो टिबेटन एंटीलोप मिलता है. मैंने आपको बताया एंटीलोप और डियर में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है. एंटीलोप के हॉर्न्स होते हैं, डियर के एंटलर्स होते हैं. एंटीलोप के हॉर्न्स परमानेंट होते हैं, डियर के जो एंटलर्स जो ब्रांच्ड एंटलर्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो रेगुलरली उनको शेड करता है. इसके अलावा लद्दाख में स्नो लेपर्ड मिलता है, बराल या फिर हिमालयन ब्लू शीप, टिबेटन वाइल्ड एस, आइबेक्स ये मिलता है. और मेन वाइल्ड लाइफ रीजन्स जो है लद्दाख में वो है सुरू, जस्कर, द्रास और कारगिल रीजन. ये है जो अपन ने कहा कि हिमालयन ब्राउन बेयर स्पॉटेड ब्राउन बेयर जो है वो इस तरह का है. नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, लॉन्ग टर्म प्लान, कि अपन इस बर्ड को किस तरह से एक्सटिंक्शन से बचाएं, क्योंकि ये बर्ड भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ध्यान रखिएगा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इसके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं. राजस्थान गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि पहली बात तो ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, दूसरा ये इंडिया में मेनली राजस्थान में ही मिलती है, राजस्थान और कुछ आसपास के एरियाज में मिलती है, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी राजस्थान में है. गुजरात और आसपास के एरिया में भी मिलती है बट इतनी पॉपुलेशन नहीं है. इसके अलावा इंडिया के बाद ये पाकिस्तान में मिलती है. तो ध्यान रखिएगा राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. ये स्पीशीज़ मिलती कहाँ है, ये सिर्फ ग्रासलैंड्स में मिलती है. अब इनका थ्रेट ये है कि ये ग्रासलैंड्स का एनक्रोचमेंट हो रहा है, या तो उनको एग्रीकल्चर के कारण काटा जा रहा है या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस तरह से वो ग्रासलैंड्स श्रिंक हो रही हैं और इसलिए ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रही हैं. तो इस तरह की स्पीशीज़ होती हैं, ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी ग्रासलैंड्स हैं. ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरेशियन ऑटर. अब कुछ ऑटर, यूरेशियन ऑटर को डिस्कवर किया गया था सतपुरा रेंज और काना पेंच कॉरिडोर में. ये कहा जाता था कि ये मेनली हिमालयाज में या वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में ही मिलती है, बट अभी इनको सेंट्रल इंडिया, फिर सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश इस वाले एरिया में देखा गया है. ये वन ऑफ द रेयरेस्ट इंडियन मैमल है. ये इंडिया के अलावा यूरोप, अफ्रीका, एशिया में काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन में मिलता है या काफ़ी अच्छे नंबर में मिलता है, बट ये इंडिया में रेयर है. अब इसको नियर थ्रेटेंड क्लासिफाई किया गया है अंडर IUCN. इस तरह का ये यूरेशियन ऑटर है. इसके बाद एक और एक न्यूज़ थी जो है जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम. अब इसमें मेन न्यूज़ ये थी कि इनको 10 कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स इनको इंट्रोड्यूस किया गया है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में. तो मेनली अपन वल्चर्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं और ये एक्स सीटू कंजर्वेशन है. दो तरह के कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू. एक्स सीटू मतलब कि आप जहाँ वो स्पीशी रहती है उसके बाहर जाके उसको कंजर्व करते हैं. जैसे कि अगर अपन आर्टिफिशियली उनकी ब्रीडिंग कराते हैं जू में तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है. और इन सीटू होता है मतलब जहाँ वो रहते हैं, अगर टाइगर्स हैं और टाइगर का कंजर्वेशन जहाँ वो रहते हैं उसी जगह करें तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं. अब इंडिया में काफ़ी सारी वल्चर्स मिलती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इंडिया में कौन कौन सी वल्चर्स मिलती है और उनका क्या स्टेटस है. एक होती है जिप्स स्पीशी जिसमें कि इंडियन वल्चर आती है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये सारी इंडिया में मिलती है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है. इसके बाद हिमालयन ग्रिफॉन ये भी इंडिया में मिलती है बट ये नियर थ्रेटेंड है, ये एंडेंजर्ड भी नहीं है. रेड हेडेड वल्चर ये भी इंडिया में मिलती है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. और इजिप्शियन वल्चर ये एंडेंजर्ड है. तो ये सारी वल्चर जो है इंडिया में मिलती है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और ये इनका स्टेटस क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है. इसके बाद पॉपुलेशन वल्चर की डिक्लाइन क्यों हो रही है, क्यों इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला जा रहा है. एक ये है कि डाइक्लोफिनेक का यूज़ बहुत होता था. ये एक ड्रग है जो कि कैटल को दिया जाता था इन्फ्लेमेशन या सूजन कम करने के लिए और पेन कम करने के लिए. तो इस ड्रग से हो ये रहा था, ये इनमें किडनी फेलियर हो रहा था क्योंकि वल्चर जो है वो जो एनिमल्स हैं उनके कैरकस को खाती है. तो इसलिए जब वो ये खा रही थी तो अल्टीमेटली ड्रग जो डाइक्लोफिनेक ड्रग है वो भी इनके अंदर जा रहा था. इस ड्रग के कारण इनका किडनी फेलियर हो रहा था और ये मर रही थी, तो इसके कारण ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आ रही थी. तो अब गवर्नमेंट ने पहली बात तो इसको बैन कर दिया गया है डाइक्लोफिनेक ड्रग को, बट अभी भी ये कई जगह इलीगली यूज़ होता है. इसके अलावा काफ़ी अवेयरनेस जनरेट करी जा रही है, एक ऑल्टरनेट ड्रग है उसका नाम है मेलोक्सिकम. तो ये चीज़ न्यूज़ में आ सकती है. डाइक्लोफिनेक पे ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है कि मेलोक्सिकम पर क्वेश्चन पूछा जाए आगे. तो इस तरह से ये कैरकस जो कि डाइक्लोफिनेक ड्रग
वाला कैरकस होता है, उसको खा के मर जाती है, एंड ये है वल्चर। और इंडिया में ध्यान रखिएगा कौन कौन सी वल्चर्स मिलती हैं। अब एक स्मूथ कोटेड ऑटर था, इसको भी फर्स्ट टाइम मैंग्रूव वाले एरिया में, जो कि कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में पाया गया है। इस ये जो स्मूथ कोटेड ऑटर है, ये एक इंडिकेटर स्पीशी है फॉर मैंग्रोव्स। तो अगर ये स्पीशीज़ मैंग्रोव वाले एरिया में मिलती है, तो इससे ये पता चलता है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में मेनली मिलता है, और इसको वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है अंडर IUCN। तो इस तरह से ये है स्मूथ कोटेड ऑटर। अब अपन देखते हैं जायंट पांडा और रेड पांडा। अब जायंट पांडा का न्यूज़ मैंने इसलिए डाली है, ऑल दो जायंट पांडा इंडिया में नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा जायंट पांडा इंडिया में नहीं मिलता, ये चाइना वाले एरिया में मिलता है, बट रेड पांडा इंडिया में मिलता है। तो इसलिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो, तो ये चीज़ मैंने डाली है। अभी IUCN जो है, रिसेंटली IUCN ने जायंट पांडा को वल्नरेबल स्टेटस दिया है, ये पहले एंडेंजर था। तो चाइना ने काफ़ी अच्छे कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं, जिसके कारण कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो एंडेंजर स्पीशी के जो कि पहले था, अब इसको वल्नरेबल स्पीशी का स्टेटस दे दिया गया है। तो इसलिए न्यूज़ में था, इस तरह का जायंट पांडा होता है, ये चाइना वाले एरिया में जनरली मिलता है। ये है रेड पांडा जो इंडिया में मिलता है, और ये मेनली इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में मिलता है, जहाँ की सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन एरियाज़ में रेड पांडा मिलता है। और रेड पांडा जैसे कि नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन एरियाज़ में जो कि मेघालय में है, इन एरियाज़ में मिलता है। ध्यान रखिएगा रेड पांडा इंडिया में मिलता है, जायंट पांडा इंडिया में नहीं मिलता। अब ये एक डुगोंग है, जो कि सी काओ भी कहते हैं इसको, इस पर UPSC काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ध्यान रखिएगा इनका स्टेटस जो है वल्नरेबल है, इनको साइट्स में भी अपेंडिक्स वन में डाला गया है। इन मैमल्स को, ये मरीन मैमल है, और ये मैमल है ध्यान रखिएगा, इनको सी काओ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स पर फीड करती है, जो जैसा कि जनरली काउस करती है, तो इसलिए इनको सी काउ कहा जाता है। अब ये बहुत ही लार्ज होती हैं, इनके पैडल लाइक फ्रंट फ्लिपर्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, ये काफ़ी लार्ज है, ये पैडल लाइक ये फ्रंट फ्लिपर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये ग्रास पर या सी ग्रास पर फीड करती है, ठीक है। इंडिया में ये ध्यान रखिएगा, ये मेनली अंडमान, गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ कच्छ, इन एरियाज़ में ही मिलती है, और इसको एंजल ऑफ सी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये एरियाज़ जहाँ मिलती है, ये ऑल ओवर इंडिया कोस्टल एरियाज़ में नहीं मिलती है, अंडमान निकोबार वाले एरिया में, गल्फ़ ऑफ मन्नार और गल्फ़ ऑफ कच्छ वाले एरिया में मिलती है। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लग्गर फैल्कन, ये मदुरई वाले एरिया में अभी कहा गया था कि इसका बहुत ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये है लग्गर फैल्कन, ये तमिलनाडु वाले एरिया में मिलती है। ये ओनली बर्ड स्पॉटेड इन द एंटायर साउथ इंडियन रीजन इन लास्ट 2 ईयर्स। तो ये पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बट अभी देखा गया है कि क्योंकि हैबिटेट का इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसके कारण ये इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब क्यों डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो अपन देख लेते हैं। एक तो ये है कि सैंड क्वेरिंग या सैंड माइनिंग, जो वैगई रिवर कहाँ है, तमिलनाडु में, और इनडिस्क्रिमिनेट या बिल्कुल कंजर्वेशन को दिमाग में ना रख के जो लगातार स्टोन माइनिंग, सैंड माइनिंग ये हो रही है मदुरई वाले एरिया में या वैगई रिवर बेड पर, उसके कारण इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। दूसरा क्या है कि ये पाम ट्रीज़ पर जनरली अपने नेस्ट बनाती है, तो पाम ट्रीज़ की भी फेलिंग हो रही है, इसके कारण भी इन बर्ड्स का डिसअपियरेंस हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये दो मेन रीजंस हैं लग्गर फैल्कन के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के, या उनके स्पीशीज़ पॉपुलेशन के नंबर डिक्रीज होने के। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक न्यूज़ थी, बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ एक्जॉटिक एनिमल स्किन्स। अब एक DGFTA एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये प्रोहिबिट करता है इम्पोर्ट ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, फॉक्सेस एट्सेट्रा। अब इंडिया में जो लॉज हैं मेनली इस ये बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ डाली थी कि इंडिया में ये जो एनिमल स्किन का जो ट्रेड है ये बैन किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इंटरनेशनली अगर अपन देखें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि साइट्स करके एक कन्वेंशन है जिसका कि इंडिया मेंबर है। इसके अलावा एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट भी है 1960। ये स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को तो अलाउ करता है, बट ओनली फॉर सब्सिस्टेंस, और इसको भी प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है कि जो सफरिंग्स है एनिमल्स में वो सबसे कम हो। ये साइट्स कन्वेंशन है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस साल क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा है, ये 1975 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ध्यान रखना बोथ एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए है ये, और उनके इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। ये लीगली बाइंडिंग है, इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया लीगली बाउंड है कि इस ट्रीटी
को अप्लाई करें या फॉलो करें। अब इसमें तीन अपेंडिक्स होते हैं, मैंने कई बार ये वर्ड यूज़ किया है कि कुछ स्पीशीज़ अपेंडिक्स वन में हैं, कुछ अपेंडिक्स टू में, कुछ अपेंडिक्स थ्री। तो अपेंडिक्स वन को अपन देख लेते हैं, इसमें है कि वो स्पीशीज़ जो कि बिल्कुल थ्रेट है, जिनको थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, तो इसमें जो है ट्रेड सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही अलाउ करेंगे, वरना इनमें ट्रेड अलाउ नहीं होगा। इसके बाद अपेंडिक्स टू में वो स्पीशीज़ हैं जो एक्चुअली इतनी थ्रेटन नहीं है, तो उनका ट्रेड जो है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। और अपेंडिक्स थ्री में वो स्पीशीज़ जो कि एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, और उस कंट्री ने अगर किसी और साइट्स मेंबर को कहा है कि उस स्पीशी के ट्रेड को कंट्रोल करें। तो इस तरह से तीन अपेंडिक्स दिए गए हैं, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, इंडिया इसका मेंबर है, इसे ही वॉशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में था, न्यूज़ में मेनली इसलिए था क्योंकि अभी देखा गया है कि वन हॉर्न डायनासोर्स इसकी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये अगर अपन देखें तो पहली बात तो ये बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा पर सिचुएटेड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको 1950 में डिक्लेयर किया था, और लेटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया था। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये बिग फाइव भी कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पाँच बड़े एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनो, टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, ईस्टर्न स्वैम डियर और एलिफेंट्स। तो ये पांच मेन एनिमल्स यहाँ मिलते हैं, और मैक्सिमम जो वर्ल्ड में वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है, मैक्सिमम इन द सेंस कि टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो यहीं मिलती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की भी, और ईस्टर्न स्वैम डियर की ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यहीं रहती है। इसके अलावा यूनेस्को जो है वो काफ़ी सारे स्टेटस देता है, जैसे कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस होता है जो कि यूनेस्को डिजिग्नेट करता है, तो यूनेस्को ने इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस भी दिया है। प्लस ये टाइगर रिजर्व भी है, मैंने आपको कहा था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं, उसमें से एक ये है। अब क्योंकि आपने राइनो के बारे में पढ़ा, तो आप एक बार देख लेते हैं काफ़ी तरह के राइनो होते हैं। वाइट राइनो होता है, इंडियन राइनो होता है, सुमात्रन राइनो होता है, जावन राइनो होता है, ब्लैक राइनो होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती है राइनो की, जैसे कि वाइट राइनो होता है, इसकी टू सब स्पीशी है, एक साउथ वाइट राइनो, ये थ्रेटन्ड है, एक नॉर्दर्न वाइट राइनो, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बट इंडिया में ध्यान रखिएगा, इंडिया में ये मिलता है इंडियन राइनो, जो कि वन हॉर्न ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं उसको। अगर अपन देखें तो ब्लैक राइनो है, इसमें भी काफ़ी सारी सब स्पीशी है, इनकी ये कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कुछ वल्नरेबल है। जावन राइनो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये मेनली इंडोनेशिया वाले एरिया में मिलता है। सुमात्रन राइनो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये भी साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में मिलता है। और इंडिया में जो मिलता है वो मेनली इंडियन राइनो मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जावन और सुमात्रन राइनो नहीं मिलता है। सुमात्रन राइनो के कुछ स्पीशीज़ ज़रूर पाए गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बट मेनली जो इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है इंडियन राइनो की, जिसको कि ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। ये इंडिया के अलावा नेपाल में भी मिलता है, मेनली जो हिमालय के फुटहिल्स हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है। उसके बाद आइए कुछ फ्लोरा या फिर ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि न्यूज़ में थे। जैसे कि एक ये चीज़ न्यूज़ में थी, सिमाई केरुविलम ट्रीज़। ये तमिलनाडु में जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने एक लॉ गवर्नमेंट को बोला है कि वो एक लॉ इनैक्ट करे ताकि ये सिमाई केरुविलम ट्रीज़ को पूरा इरेडिकेट किया जाए। अब ऐसा वो क्यों कह रही है? क्योंकि ये ट्रीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है, बहुत पानी सक करते हैं, तो इसके जो आसपास की वाटर बॉडीज़ हैं या फिर जो ड्राई लैंड्स है गवर्नमेंट की या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये लोग ये सिमाई केरुविलम ट्रीज़ को काट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन रूलर बर्ड। ये काफ़ी सारी सदर्न इंडियन स्टेट्स की स्टेट बर्ड है, जैसे कि कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा एक्सेट्रा। अब इसको डिस्प्ले किया जाता है दशहरा फेस्टिवल, जो कि तेलंगाना में है। इसको शेड्यूल फोर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें कि कैप्चरिंग और डिस्प्ले ऑफ बर्ड इज़ इल्लीगल, और इसमें 25,000 या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years की पेनल्टी है। बट फिर भी अगर अपन देखें तो यहाँ ये इस तरह से फेस्टिवल में डिस्प्ले किया जाता है। ये है इंडियन रूलर बर्ड या फिर नीलकंठ। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिशिंग कैट है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल ने इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये वल्नरेबल है, ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। ये मेनली कहाँ मिलती है? क्योंकि फिशिंग कैट है तो ये मेनली जहाँ भी वाटर होगा, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, ऑक्सबो लेक, स्वैम्स, मैंग्रोव्स, सुंदरबंस एरिया, जहाँ की मैंग्रोव वाला एरिया है, वहाँ भी ये काफ़ी मिलती है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम केरला। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पच्चा चेड़ी करके एक प्लांट है जिसको कि वंडर प्लांट भी कहा गया है। इसका साइंटिफिक नेम है ये, बट जनरली हो सकता है यूपीएससी में साइंटिफिक नेम ना देके वो लोकल नेम दे। ये प्लांट जो है ये एंडेमिक है, ये वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका वाले एरिया में ही मिलता है। अब एक ये ट्राइब है, ये ट्राइब बहुत ही पुरानी ट्राइब है, बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब है। इस ट्राइब जो है चोला नाइकन ट्राइब, ये इसको इन्फ्लेमेशन और वूंड्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करती है। अब इसमें कहा गया है कि इसकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा इसमें विटामिन ई का कंटेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। इसमें साइटोप्रोटेक्टिव वाली एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि ये एंटी कैंसर ड्रग की तरह बहुत अच्छी तरह से एक्ट कर सकता है। तो इसको एनाल्जेसिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंटी कैंसर की तरह, एंटी ऑक्सीडेंट, वूंड्स और बर्न्स को ट्रीट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको वंडर ड्रग भी कहा जाता है। अब अगर अपन देखें, एक तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा कि पच्चा चेड़ी है इसका नाम, कौन कौन सी जगह ये मिलती है, इंडिया में वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में और श्रीलंका। दूसरा, इंडिया में जो मेन ट्राइब है जो इसको यूज़ करती है वो है जो चोला नयक्कन ट्राइब। ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने वाली बात भी यहाँ आ जाती है, क्योंकि ये ट्राइब मैंने कहा कि बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब है। और अगर इसका कमर्शियल बेनिफिट अपन लेते हैं तो उससे डेफिनेटली ये जो ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है, बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब है, उसके लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये इस तरह से पच्चा चेड़ी प्लांट है। ये ट्राइब है, ये जो चोला नयक्कन ट्राइब है, जैसा कि मैंने कहा कि ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी मतलब बहुत ही वल्नरेबल, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जिनकी की पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। और ये डेसिडस फॉरेस्ट मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में जो है केरला में, वहाँ रहते हैं। ये ओनली सर्वाइविंग हंटर गैदर ट्राइब है इंडिया में, और ये वो ट्राइब है जो कि अभी भी रॉक केव शेल्टर्स में रहती है। तो एक तो ये ट्राइब के बारे में आ सकता है, एक वो वन प्लांट के बारे में आ सकता है। फिर जीआई टैग, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, ये रिसेंटली केरला के निलंबू टीक को कह रहे हैं कि इसको ये टैग मिलेगा। ये मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। इस एरिया में वर्ल्ड का फर्स्ट टीक म्यूज़ियम भी है। अगर आप देखें तो यहाँ ये पूरी टीक म्यूज़ियम की इमेज है, ये है निलंबू टीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन वाइल्ड ऑरेंज। ये वाइल्ड ऑरेंज जो है ये पहले जनरली गारो हिल्स मेघालय में मेनली मिलता था, अभी रिसेंटली उसको मणिपुर में भी देखा गया है। तो ये एक नेटिव इंडियन स्पीशीज़ है, इंडिया में ही मेनली मिलती है और ये सिट्रस फ्रूट का एक पार्ट है। ये मोस्ट प्रिमिटिव सिट्रस कहते हैं इसको, ये जो इंडियन वाइल्ड ऑरेंज है। ये भी कहा जाता है कि ये एंसेस्टर्स है सारे सिट्रस फ्रूट्स का जो भी वर्ल्ड में मिलते हैं। ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, मेनली ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गारो हिल्स में है मेघालय में, उसमें मिलता है ये। अब इसमें थ्रेट ये है कि यहाँ पूरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्राइब्स जो हैं मेनली वहाँ स्लैश एंड बर्न या फिर झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस करती है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, उसके कारण ये जनरली इस तरह का इंडियन वाइल्ड ऑरेंज जो है हो सकता है कि ये आगे एक्सटिंक्ट हो जाए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाए। अभी फिलहाल जो है ये एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट अपन करते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स। ये बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स कौन देता है? ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये अवार्ड्स देती हैं, और ये उन लोगों के रिकॉग्निशन के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें ये चार तरह के कैटेगरीज़ है, एक तो कंजर्वेशन थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ का, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ को, सक्सेसफुल मॉडल्स फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए। तो ये चार मेन कैटेगरीज़ हैं। अब जो मेन विनर्स हैं इस साल के, वो 2016 के, एक तो है पक्के टाइगर रिजर्व, एक है हरगिला आर्मी, एक है लिविंग रूट्स ब्रिज जो कि एक एसएचजी है फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ 52 फीट लॉन्ग लिविंग रूट्स ब्रिज। ये एक ब्रिज है जो कि एसएचजी उसको उसका सस्टेनेबल यूज़ प्रमोट करती है। फिर उसके बाद ये दुदई बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ है उत्तराखंड में, इन्होंने इंश्योर किया है कि इलीगल सैंड माइनिंग और रिवर इकोसिस्टम को इलीगल सैंड माइनिंग को बैन किया जाए, या उसको इंश्योर किया जाए कि सैंड माइनिंग वहाँ नहीं हो और रिवर इकोसिस्टम को रिजुवनेट किया जाए। तो अब जो क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि एक बार पिछले कुछ सालों में लिविंग रूट्स ब्रिज ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये मेघालय में पाए जाते हैं। इसी तरह से पक्के टाइगर रिजर्व पर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार पक्के टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं। ये इसको पहले पकुई टाइगर रिजर्व या पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते थे। इसके पास में नमेरी नेशनल पार्क है आसाम में,
सेसा ऑर्चिड सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आसाम में नहीं है। इसके पास से कामेंग रिवर है जो कि कामेंग ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और कामेंग रिवर इसके पास से फ्लो करती है। ये पक्के रिवर प्लस कामेंग रिवर, जैसा कि मैंने कहा उसको भरेली भी कहते हैं, ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। इन दो रिवर से ये पूरा पक्के टाइगर रिजर्व जो है इसके पास से होके जाता है। आप अगर देख सकते हैं, ये है कामेंग रिवर, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नमेरी नेशनल पार्क है। तो ये पूरा पक्के टाइगर रिजर्व का ये है, ये कामेंग रिवर फ्लो कर रही है एंड ये नीचे नमेरी नेशनल पार्क है। इस तरह से ये पूरा, और यहाँ ये ब्रह्मपुत्रा है। तो आप देख सकते हैं कामेंग रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये लास्ट न्यूज़ है, जैसे कि न्यू स्पीशीज़ ऑफ पीका। ये पीका एक छोटा सा मैमल है जो कि मेनली हिमालयस में, स्पेशली सिक्किम में पाया जाता है। ये जो पीका की स्पीशीज़ जो नहीं मिली है, नई जो स्पीशी मिली है, ये बहुत ही डिफरेंट है जो कि स्पीशीज़ जो पीका की जनरली मिलती है। ये पीका स्पीशी जो है ये जनरली माउंटेन्स और टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है। पर ध्यान रखिएगा, ये माउंटेन्स और टेम्परेट रीजन में पाए जाने के बाद भी हाइबरनेट नहीं करता। जैसे कि आप अगर अपन देखें कि कोल्ड एरियाज़ में जनरली जो स्पीशीज़ रहती हैं वो हाइबरनेट करती हैं, जैसे पोलर बियर हाइबरनेट करते हैं, बट ये पीका जो है ये हाइबरनेट नहीं करती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी होती है, कीस्टोन स्पीशी भी कहते हैं इसको अपने इकोसिस्टम की। तो ये है पीका। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस एनवायरनमेंट और बाकी करंट अफेयर्स रिलेटेड बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।